Chhatwali from LGO Public School. Student, आज हम लोग बात करने वाले हैं periodic properties, जो हम आपको कल ही बताए थे. Periodic properties. Periodic properties में आपको मैंने बताया था कि हम लोग बात करेंगे atomic radii. कौन कौन सा periodic property हमें पढ़ना है. सबसे पहला है एटॉमिक रेडियाई, दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चौथा नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लास्ट नंबर है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना. उसमें से हमें सबसे पहले बात करना है एटॉमिक रेडियाई क्या होता है. आइए सबसे पहला पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई बात करते हैं. लोग एटॉमिक रेडियाई क्या होता है. सिंपली अगर एटॉमिक रेडियाई, दो चीजें आपको ध्यान में रखना है. डिफरेंस क्या है एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस की. एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस सबसे पहला डिफरेंस. एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो बहुत सारे एलिमेंट के लिए हम जब एक साथ बात करते हैं तो उसके लिए हम एटॉमिक रेडियाई को यूज करते हैं. और जब भी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हैं तो हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, ठीक है ना. सिंपली आप ये कर लीजिए कि ये प्यूरल फॉर्म है. बहुत सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ एटॉमिक रेडियाई लिखेंगे और ये सिंगुलर है, यानी एक सिंगल एलिमेंट के लिए हम एटॉमिक रेडियस. आइए अब इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हम आपको बताते हैं. इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए ये कोई एटम है, ये कोई एटम है और एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस है और ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. इस न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है ना. ये कोई एलिमेंट है, एलिमेंट्स के अंदर एटम होते हैं और एटम में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके और इनके यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना. अब हम बात करेंगे कि जो एटॉमिक रेडियाई है इसमें कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं और वो कौन से पॉइंट हैं आइए हम बात करते हैं. आपको हमने बताया था कल कौन कौन सा पॉइंट है. वो एटॉमिक रेडियाई में हम लोग तीन तरह की रेडियाई की बात करते हैं, ठीक है ना. एक होता है हमारा टू वैलेंट रेडियाई. दूसरा होता है वॉन्डर वॉल रेडियाई. वॉन्डर वॉल रेडियाई और लास्ट होता है मेटालिक रेडियाई. यानी ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट हमारा कौन से टाइप का है, ठीक है ना. उस टाइप के रेडियाई को हम कंसीडर करते हैं. जैसे कोवेलेंट रेडियाई, वॉन्डर वॉल रेडियाई और मेटालिक रेडियाई, ठीक है. जैसे मान लीजिए अगर मेटल दिया गया है क्वेश्चन, अगर कोई एलिमेंट मेटल है तो वहां पर हम उसकी मेटालिक रेडियाई को कंसीडर करते हैं. अगर कोई एलिमेंट जैसे मान लीजिए नोबल गैसेस हैं तो वहां पर हम वान डर वाल्स रेडियाई देखते हैं. और कोवेलेंट रेडियाई का मतलब जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जैसे फॉर्मेशन जो नॉन मेटल्स करते हैं उनके केस में हम लोग कोवेलेंट रेडियाई कंसीडर करेंगे. तो सबसे पहला नंबर कोवेलेंट रेडियाई का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है ना, या कोवेलेंट रेडियस का क्या डेफिनेशन होगा. तो आइए फिगर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे.
ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस की आधे भाग को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स, क्लियर। यही जो है एटॉमिक सॉरी कोवेलेंट रेडियाई होता है या कोवेलेंट रेडियस होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सैंपल अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए ये CL2 कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है ना। यहां पर क्लोरीन दो क्लोरीन है ना, इनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना होगा। तो इस पूरे क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो कोवेलेंट रेडियाई है या रेडियस है वो है 1.98 एंगस्ट्रॉम, 1.98 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, यानी कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1.98 अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये है क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस। तो इस तरह से हम कोवेलेंट रेडियस या रेडियाई को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। और इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। मान लीजिए एक क्लोरीन ये है, दूसरा क्लोरीन ये है, और इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 1.98 एंगस्ट्रॉम, और इसी का हाफ यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 0.99 एंगस्ट्रॉम होगा, यानी ये क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस होता है, ठीक है ना। आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर वाटर वॉल रेडियाई क्या होता है, वाटर वॉल रेडियस क्या होता है। वाटर वॉल रेडियाई, वाटर वॉल रेडियाई ये बताया गया है, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल ऐसे दिए गए हैं, ये प्रोसेस को ऐसे बनाते हैं, एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, ये दोनों एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए हैं। ऐसे ही एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है ना। यहां से यहां तक ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल है, तो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका आधा, यहां से यहां तक ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है यहां से आधा जो है हाफ जो है वही कौन सा रेडियस है, वाटर वॉल रेडियस है। जैसे वाटर वॉल रेडियस हम लोग आरबी, ठीक है ना, यहां से यहां तक ये जो 180 पिकोमीटर होता है, ठीक है ना, और इसका हाफ क्या हो जाएगा 90 पिकोमीटर। इस तरीके से हम लोग वाटर वॉल्स रेडियाई को फाइंड करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही कोवेलेंट रेडियाई जो होता है सॉरी मेटालिक रेडियाई जो होता है वो दो एडजेसेंट मेटल्स के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो मेटालिक रेडियाई होता है या मेटालिक रेडियस होता है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात आपको ये देखना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। आइए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम आपको ट्रेंड बताएंगे, ठीक है ना। जो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में वो आपको समझना सबसे जरूरी है। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड
में केवल में एकाउंट रेडियाई का क्या ट्रैक होता है ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, सबसे पहला होता है पीरियड, पीरियड और दूसरा होता है ग्रुप। तो पीरियड में हम कैसे मूव करते हैं, हमने आपको बताया था कि पीरियड में हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। यानी पीरियोडिक टेबल में जब भी किसी पर्टिकुलर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, और एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ये क्या होता है ध्यान सुनिएगा। जैसे मान के कार्बन है 2 and 4, नाइट्रोजन है 2 and 5, ऑक्सीजन है 2 and 6, आप देख रहे हो सबका नंबर ऑफ पीरियड क्या है सेम, ये भी एक ही पीरियड में है, उसमें भी दो पीरियड, इसमें भी, यानी है क्या कि इसके वैलेंस सेल में, इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा बट साइज उसकी वही है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और इसी को हम नाम देते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अगर पीरियड सेम है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ हम कहें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, और जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो ऐसे में जो रेडियाई है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी सिंपली हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जिसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियाई जो होगा वो डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ये हो गया पीरियड की बात, किसी भी पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना। आइए अब दूसरा जो ट्रैक है वो है ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में हम कैसे मूव करते हैं, ग्रुप में हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज का मतलब एन की वैल्यू, एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, जिसके वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करने लगता है, साइज बढ़ने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज होने लगता है, और जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है, एटॉमिक रेडियाई।